दोस्तों, क्या आपको पता है जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो स्कूल्स में लगे होते हैं, काफ़ी बिल्डिंग्स में भी लगे होते हैं, तो ये रेड कलर के ही क्यों होते हैं? और क्या आपको पता है ये जो होता है QWERTY, ये कीबोर्ड जो होते हैं QWERTY के फॉर्मेट से क्यों होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं होते हैं? चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों क्या आपको पता है कि कैट जो होती हैं, बिल्लियाँ होती हैं, वो शुगर को टेस्ट नहीं कर सकती? इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये इसलिए होता है क्योंकि जो कैट्स होती हैं उनमें स्वीट रिसेप्टर्स नहीं होते हैं उनकी टेस्ट बड्स में, इसलिए वो शुगर को टेस्ट नहीं कर पाती। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जो लॉयर्स होते हैं वो ब्लैक कलर का कोट क्यों पहनते हैं? दोस्तों वो ब्लैक कलर का कोट इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनके लिए जो ब्लैक कलर का कोट है, मतलब ब्लैक कलर है, वो सिंबल होता है डिग्निटी का, ऑनर का, विजडम का और जस्टिस का, इसलिए वो ब्लैक कलर का कोट पहनना प्रिफर करते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसी जगह है एरिजोना नाम की, जहाँ पे अगर आप कैक्टस को काटोगे तो आपको 25 ईयर्स की पेनल्टी देनी पड़ेगी जेल में रहकर, मतलब 25 साल की आपको जेल हो जाएगी वहाँ पर अगर आपने कैक्टस को काटा। फैक्ट नंबर फोर, दोस्तों क्या आपको पता है जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो रेड कलर के क्यों होते हैं, रेड कलर से पेंट क्यों होते हैं? दोस्तों वो इसलिए होता है, दो रीज़न से होते हैं इसलिए। एक तो जो रेड कलर को हम जैसे ही देखते हैं तो डेंजर का हमें अंदर से फीलिंग आती है, इसलिए उसको रेड कलर से पेंट किया जाता है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि दोस्तों ये जो रेड कलर होता है ये जैसे कोई स्मोक रीज़न है या फिर डार्क इन्वायरमेंट है तो वहाँ पर आराम से दिख जाता है, इसलिए रेड कलर से पेंट किए जाते हैं। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों ABCDEF अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कीबोर्ड क्यों नहीं होता है? दोस्तों ये इसलिए होता है क्योंकि पहले ज़माने में, पिछले अर्ली टाइम्स में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही होता था कीबोर्ड, लेकिन मतलब टाइपराइटर या कीबोर्ड जो भी फास्ट टाइपिंग करते थे, जिससे कीबोर्ड या टाइपराइटर का जो कीबोर्ड वो जैम हो जाता था। अब इसलिए इसको चेंज कर दिया गया QWERTY के फॉर्मेट से, जिससे कीबोर्ड जैम ना हो, लेकिन अब भी आप इतनी तेज़ लिख लेते हो। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन दबाना भी ना भूलें। थैंक यू।